वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं दिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन बाइक बोर्ड घोटाले के एक आरोपी 5 लाख रुपए के इनामी राजेंद्र हुड्डा को राहत बराबर मिलती आ रही है। अंतिम जमानत के लिए विजेंद्र ने याचिका जरूर डाली, लेकिन कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर भले ही ना लगाई हो, लेकिन उसे अप्रत्यक्ष रूप से राहत जरूर मिल गई। कोर्ट ने यह आदेश कर दिया कि 16 जनवरी को ईओडब्ल्यू अपनी रिपोर्ट दाखिल करे। इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श के बाद ही यह तय किया जाएगा कि विजेंद्र हुड्डा जमानत का पात्र है अथवा नहीं। इस तरह विजेंद्र को 16 जनवरी तक खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल गया था। आज 16 जनवरी को एडीजे थर्ड लिंक कोर्ट ने ये कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि इस मामले को 25 जनवरी को एडीजे सेकंड के सामने ही रखा जाएगा। दरअसल एडीजे सेकंड ट्रेंडिंग पर है। कुल मिलाकर एक बार फिर से विजेंद्र हुड्डा राहत का पात्र बन गया है। हाँ, राहत उन लोगों को कतई नहीं मिल पाई जिन लोगों ने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई गर्वित इनोवेटिव प्रमोट्स कंपनी की लुभावनी बातों में फंस कर गंवा दी है। सीबीआई इस घोटाले को 15,000 करोड़ रुपए का बता चुकी है। दरअसल 2010 में महाघोटालेबाज संजय भाटी ने ग्रेटर नोएडा के ग्राम चित्ती में ग्रवित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी बनाई थी। 2018 में कंपनी के 19 निदेशकों ने बाइक बोर्ड कंपनी लॉन्च की। ओला व उबेर की तर्ज पर बाइक चलाने का दावा करते हुए निवेशकों से 62,000 रुपये लिए गए थे। बदले में निवेशकों को करीब 10,000 रुपये प्रति माह मिलने थे। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात आदि तमाम राज्यों के 2,61,000 से ज्यादा निवेशक इस मकर जाल में फंस गए। 2019 में इस घोटाले से पर्दा उठा। पैसा अंधाधुन कमाया गया था, लिहाजा खर्च करने में भी संजय भाटी ने गुरेज नहीं किया। जांच पड़ताल में यह बात भी सामने आई कि विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा कराए गए ऑडिट में 2900 करोड़ रुपए घोटाले के रूप में सामने आ चुके हैं। अधिकांश धनराशि ग्रवित इनोवेटिव इंडिपेंडेंट टीवी में खपाई गई है। इस धनराशि को कई दर्जन फर्जी कंपनियों में घुमाया गया है। संपूर्ण प्रकरण में बाइक बोर्ड तो स्वयं में घोटाला है ही, इंडिपेंडेंट टीवी भी कम बड़ा घोटाला नहीं है। इंडिपेंडेंट टीवी के जरिए घोटालेबाजों ने बेहद आकर्षक स्कीम देकर देश के 17 लाख लोगों से 4,25,00,000 रुपए नकार लिए। इसमें साल भर 500 चैनल फ्री देने की बात कही गई थी। प्रत्येक टीवी उपभोक्ताओं से चुकी 2,500 रुपए लिए गए थे। लिहाजा किसी ने धनराशि वापसी के लिए कोर्ट अथवा पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटाया और यह धनराशि सीधे महाघोटालेबाजों के पेट में समा गई थी। इंडिपेंडेंट टीवी, जो कि पहले अनिल अंबानी के स्वामित्व वाला रिलायंस टीवी था, इसे विजेंद्र हुड्डा ने खरीद लिया था। गंभीर बात यह भी है कि संजय भाटी ने काफी पैसा इंडिपेंडेंट टीवी को ट्रांसफर किया है। करोड़ों रुपए विजेंद्र के निजी खातों में भी ट्रांसफर किए गए। विजेंद्र के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के साथ ही 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि विदेश में है वह, अभी तक किसी भी जांच एजेंसी के सामने नहीं आया है। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी बराबर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।